वालदैन का एहतराम उम्र के हर हिस्से में वाजिब है, लेकिन जब दोनों शबाब की बहारों, रानाइयों और तवानाइयों से महरूम होकर बुढ़ापे की जिंदगी गुजार रहे हों, तो औलाद को चाहिए कि उनका ज्यादा ख्याल रखें। ऐसा न हो कि औलाद की जरा सी बेरुखी वालदैन के लिए दिल का रोग बन जाए। जब वालदैन औलाद के रहमो करम के मोहताज हों, तो हालात के इन बेरहम थपेड़ों में औलाद पर जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसा कोई कौल या फेल रवैया इख्तियार ना करें जिससे वालदैन को एजा पहुंचे। बल्कि उस वक्त इंसान अपने बचपन को याद करे कि जब वो अपने वालदैन की शफकत और हुस्न व सलूक का इससे ज्यादा मोहताज था। अपने बदन को ढांप नहीं सकता था, खुद अपनी मर्जी से करवट नहीं बदल सकता था और अपनी गजा का बंदोबस्त नहीं रख सकता था, हत्ता कि अपने बदन के साथ लगी नजासत को नहीं धो सकता था। ये माँ ही तो थी जो बच्चे को पहले खिलाती थी फिर खुद खाती थी। आज उस माँ के एहसानात का बदला चुकाने का वक्त आन पहुँचा, इसलिए हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत माओं के कदमों तले है।